काजल को बुला के ला। गोविंद भैया मनोज जी एक मिनट उसको बुला लेते हैं। देखिए पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल OTT पे है और पहली बार भोजपुरी का OTT चैनल चौपाल शुरू हो रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इसे सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम आज दिल्ली से चल के मुंबई आए हैं और चौपाल OTT के लिए उसके जो ओनर हैं संदीप बंसल जी उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभय सिन्हा जो बड़ी प्रमुख रूप से इस चैनल के साथ खड़े हैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज हमने भी एक वेब सीरीज एक्सेप्ट किया है और वो मैंने काजल राघवानी के साथ किया है। मैं काजल के साथ कभी कोई फिल्म नहीं कर पाया क्योंकि जिस समय काजल आ रही थी उस समय हमारा दूसरा कैरियर शुरू हो रहा था, लेकिन हमारे लिए एंटरटेनमेंट और अभिनय सिंगिंग ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और OTT की दुनिया आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वेब सीरीज करेंगे और मेरा पहला वेब सीरीज धरती पुत्र जो काजल राघवानी के साथ होगा, आई एम सो हैप्पी इसके साथ काम करने को भी मिलेगा और हम कुछ खास करके दे पाएंगे। हम भोजपुरी के बहुत ऊंचा आसमान पे देखल चाहता नहीं, हम ओकरे खातिर हमनी के इंडस्ट्री बहुत मेहनत करता, अब हम भी वेब सीरीज के थ्रू जुड़ के अपन काम कर। रवि मनोज जी वाराणसी का जो ज्ञान ऑप्टिका मुद्दा है, सर योगी जी द्वारा ये कहा गया था कि फिल्म सिटी बनेगी, ज्ञान ऑप्टिका का मुद्दा नया पुर पकड़ रहा है, जो मुस्लिम पक्ष है जो अंदर से शिवलिंग मिला है उसको शिवलिंग नहीं मान रहे, उसे फुहारे का रूप दिया जा रहा है, आपका क्या? देखिए ये मुद्दा हमारा आपका नहीं है, ये मुद्दा न्यायालय का है। एक न्यायालय ने सर्वे करवाया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है और वहां पे जो निर्णय होगा ना हम लोगों को हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ये दो कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है, ये कुछ लोगों ने हमारे देश के साथ साजिश किया कि हमारे देश की कम्युनिटीज आपस में प्रेम से न रह पाए, उस सच को आ रहा है। जो न्यायालय का निर्णय होगा हम स्वीकार। उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे जाने वाले 5 तारीख को, उत्तर प्रदेश के एक सांसद है। देखिए उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा तो ये बड़े दिल करके उस पे अपनी बात कह देनी चाहिए, कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्ज। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या वो सही है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए, अगर ये बात तो और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या रह जाए? बीजेपी के सांसद कोई बात नहीं, मेरे भाई है वो, मेरे मित्र है, मैं उनको भी कहूंगा किसी आवेश में निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश सबका है। कोई भी हम काजल राघवानी पहली बार है, प्लीज चौपाल पे हमारा वेब सीरीज देखिएगा और हम लोग इतना धमाल करने वाले हैं कि बस हम ही दिखेंगे। काजल जी यहाँ की सरकार बोल रही है कि राष्ट्रपति बीजेपी की हो चुके हैं। काजल जी आप क्या कहना चाहेंगे? काजल कुछ बोलो। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चौपाल आ रहा है और हम सब एक साथ देखेंगे। और सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है वो है मनोज जी के साथ वर्क करना, तो वो इसके जरिए पूरी हो रही है, तो थैंक यू सो मच मनोज जी और जल्दी देख देना ताकि हम जल्दी से शूट करें।